दोस्तों अभी तक इंसान ने जो कुछ भी इस धरती पर हासिल किया है, जैसे कि घर, कार, मोबाइल, लैपटॉप, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, इन सब के पीछे सबसे बड़ा हाथ दिमाग का है। मनुष्य के दिमाग ही है जिसकी वजह से मनुष्य आज इस धरती पर राज कर रहा है। परंतु हमारा ब्रेन ये सब कुछ हमारे शरीर की सहायता के बिना नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी करना चाहता है ये सब करने के लिए उसको हाथ पैर जुबान आदि की जरूरत पड़ती है। इनके बिना हमारा दिमाग बाहरी दुनिया से कोई तालमेल नहीं बना सकता। पर क्या हो अगर हमारा दिमाग बिना हाथ पैर और जुबान का इस्तेमाल किए हमारे कंप्यूटर मोबाइल से लिंक बना ले, तो हम लोग बिना फोन को टच किए एक दूसरे से व्हाट्सएप मैसेज कर सके, तो आइए जानते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में जो ये सब कुछ करने जा रही है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाले बटन को जरूर दबा लें। आज 10 के करीब कंपनियां दुनिया का पहला ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाने पर काम कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर कंपनियां US बेस्ड हैं। सिंक्रोनस कंपनी दुनिया के पहले कंप्यूटर ब्रेन इंटरफेस का ह्यूमन ट्रायल भी कर चुकी है, और इस रेस में दूसरे नंबर पर चल रही कंपनी न्यूरालिंक है, जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट एलन मस्क ने दिखाया है। इस साल के खत्म होते होते या फिर 2023 के पहले क्वार्टर में न्यूरालिंक भी अपना पहला ह्यूमन ट्रायल कर लेगी। अगर सिंपल भाषा में इस तकनीक की बात करें तो ये तकनीक ब्रेन के उन सिग्नल्स को डिकोड करने का काम करेगी जिन सिग्नल्स को पैदा करके ब्रेन हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल करके उनसे कोई काम करवाता है। हमारा ब्रेन जब भी कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए एक अलग तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करता है, जैसे हाथ को हिलाने के लिए अलग से सिग्नल, कुछ बोलने के लिए अलग सिग्नल, चलने के लिए अलग सिग्नल, बैठने के लिए अलग सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक तरह से ब्रेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हमारी बॉडी कंट्रोल होती है। अब ये कंपनियां इन्हीं सिग्नल्स को डिकोड करने पर काम कर रही हैं। फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले सदी के सबसे महान इंसान एलन मस्क भी इस प्रोजेक्ट में 2016 से शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अपना इंटरेस्ट न्यूरालिंक में दिखाया है। न्यूरालिंक अपनी टेक्नोलॉजी का पेजर नाम के मंकी पर सक्सेसफुली टेस्ट कर चुकी है। इस टेस्ट में सबसे पहले मंकी को एक स्क्रीन के सामने बिठाया जाता है जिस पर वो पोंग गेम खेलता है। पहले तो मंकी इस गेम को जॉयस्टिक की हेल्प से खेलता है। जब भी ये मंकी गेम को सही तरीके से खेलता है तो इस पर मंकी के मुंह में एक स्ट्रॉ की मदद से उसका मनपसंद जूस डाल दिया जाता है। इस दौरान न्यूरालिंक के साइंटिस्ट इस मंकी के ब्रेन के अंदर पैदा होने वाले सिग्नल्स को ट्रेस और डिकोड करते हैं जो उस जॉयस्टिक को इधर उधर करने के दौरान पैदा हो रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्टों को ये पता चलता है कि मंकी के हाथ के अलग अलग मूवमेंट के लिए ब्रेन कैसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करता है। फिर टेस्ट के अगले पार्ट में साइंटिस्टों ने मंकी के दिमाग में उस BCA चिप को एक्टिवेट कर दिया और जॉयस्टिक को वहां से हटा दिया, जिसके बाद मंकी जॉयस्टिक नहीं होने के बाद भी पोंग गेम को अच्छे से खेल पाता है, क्योंकि मंकी के दिमाग में उस पोंग गेम की स्क्रीन को देखकर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहे होते हैं मंकी उनके साथ गेम को कंट्रोल करता है। इस तरीके से मंकी बिना हाथ का इस्तेमाल किए सिर्फ अपने ब्रेन के न्यूरॉन सिग्नल की मदद से गेम में इनपुट कमांड दे रहा था। ये एक्सपेरिमेंट बहुत क्रांतिकारी कदम था ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के लिए। अब इतना तो कंफर्म हो गया था कि ब्रेन में पैदा होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बिना हाथ पैर हिलाए सिर्फ डिकोड करके किसी कंप्यूटर को कमांड दी जा सकती है। क्योंकि ये मेथड इन्वेंसिव टाइप का मेथड है, इसलिए इस मेथड के दौरान स्कल में होल करके इस BCA चिप को ब्रेन के पर्टिकुलर एरिया में इम्प्लांट किया जाता है, जिस वजह से ह्यूमन ट्रायल के लिए न्यूरालिंक कंपनी FDA से अप्रूवल की वेट कर रही है। एक और सिंक्रोनस नाम की कंपनी इस BCA टेक्नोलॉजी का ह्यूमन ट्रायल भी कर चुकी है जो काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा है। इस टेक्निक में डॉक्टर्स एक स्टंट ट्यूब को पैरालाइज्ड पेशेंट की ब्लड वेसल के थ्रू उसके ब्रेन तक इंसर्ट करते हैं। फिर इस प्रोसीजर में इलेक्ट्रोड्स के क्लस्टर को वहां इम्प्लांट कर दिया जाता है जो कि एक थिन वायर के थ्रू एक शक्तिशाली कंप्यूटर से जुड़ा होता है जिसको पेशेंट की चेस्ट के साथ चिपका दिया जाता है। जिस क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट किया जाता है वो ब्रेन में पैदा होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इस कंप्यूटर में पहुंचाता है। इस तरह से ये BCA सिस्टम पैरालाइज्ड पेशेंट के ब्रेन में पैदा होने वाले सिग्नल्स की मदद से किसी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और पैरालाइज्ड पेशेंट जो कुछ भी कहना चाहता है उसको बिना हाथ पैर हिलाए टेक्स्ट करके बता सकता है। इस टेक्निक का एक लूपहोल है कि इसमें BCA चिप की लेटेंसी ज्यादा है, मतलब कि सिग्नल को डिकोड करने की स्पीड कम है, और ये टेक्निक ज्यादा तरह के सिग्नल्स को डिकोड नहीं कर सकती है क्योंकि इसमें प्लांट किए गए इलेक्ट्रोड्स की गिनती बहुत कम है। परंतु न्यूरालिंक की BCA चिप के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि इस टेक्निक में इलेक्ट्रोड्स की संख्या 1024 है, जिस वजह से ये BCA चिप ज्यादा तेजी से ज्यादा तरह के सिग्नल्स को डिकोड कर सकती है। न्यूरालिंक कंपनी को ह्यूमन ट्रायल के लिए बस FDA की अप्रूवल का इंतजार है, और सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रायल के बाद ये टेक्नोलॉजी पहले फेज में पैरालाइज्ड पर्सन्स के लिए वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि इस टेक्निक से पैरालाइज्ड पर्सन जो बोल भी नहीं पाते हैं वो भी बाहरी दुनिया से बिना किसी की मदद से टेक्स्ट करके कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपने आसपास के सारे काम स्पेशलाइज्ड रोबोट के थ्रू करवा लिया करेंगे। अगर इस चिप की स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इस चिप में 1024 इलेक्ट्रोड होंगे, पूरे दिन की बैटरी लाइफ होगी जिसको अभी तो इंडक्टिव टेक्निक से पूरी रात में चार्ज किया जा सकेगा।
परंतु नैनो डायमंड बैटरी के मार्केट में आते ही इस बीसीए चिप को कभी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नैनो डायमंड बैटरी को डिस्चार्ज होने में 28,000 साल लगते हैं। अगर आप नैनो डायमंड बैटरी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। ये चिप पूरी तरह से वायरलेस होगी, जिस वजह से इम्प्लांट होने के बाद ये दिखाई नहीं देगी, और इसका साइज सिर्फ 23 mm x 8 mm है। ये तो बात थी बीसीए चिप के फर्स्ट फेज के इस्तेमाल की। फेज 2 में ये चिप नॉर्मल इंसानों में भी इम्प्लांट की जाएगी, जिससे इंसान अपने फोन और कंप्यूटर को बिना हाथ लगाए इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसके बाद हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। क्योंकि अभी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है जिससे कि हम किसी भी चीज को कुछ नए सॉफ्टवेयर अपने फोन या लैपटॉप में इंस्टॉल करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आज जो भी गाड़ियां मार्केट में आ रही हैं वो सारी की सारी इंटरनेट कनेक्टेड हैं, जिस वजह से इंसान उन गाड़ियों के अलग अलग फंक्शंस को दूर बैठा अपने मोबाइल या स्मार्ट वॉच से कंट्रोल कर सकता है। हम अपने घरों में लगे ऑटोमेटिक अप्लायंसेस को ब्रेन की मदद से बिना किसी चीज को हाथ लगाए ऑन ऑफ कर सकेंगे। लड़के लड़कियां बिना फोन को हाथ लगाए एक दूसरे के साथ टेक्स्ट मैसेज से बात कर सकेंगे। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी उन्नत होती जाएगी, हम अपनी सोच के साथ पूरी दुनिया को कंट्रोल करते जाएंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।